मी यू आई 12 का अपडेट आ गया है रेडमी नोट 7 सीरीज में, जिसमें से मेरे पास है रेडमी नोट 7 प्रो फोन। तो इस फ़ोन में भी अपडेट आ गया है, तो मैं बताऊंगा क्या क्या अपडेट आया है मी यू आई 12 में, जिससे जो कि रेडमी नोट 7 प्रो को एक अच्छा फ़ोन बनाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जाके हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। मेरे पास जो है रेडमी नोट 7 प्रो है, बेसिकली जो रेडमी नोट 7 प्रो है इसमें अपडेट थोड़ा सा लेट आया है। रेडमी नोट 7 का जितना भी सीरीज है, लगभग मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें से बताया था कि मी यू आई 12 आने वाला है, जो कि मैंने लगभग जुलाई में बनाया था वीडियो। हमें लगता था, मतलब कई लीक्स से भी पता चलता था कि अगस्त में मी यू आई 12 का अपडेट आ जाएगा, लेकिन उससे 3-4 महीना बाद जाके अक्टूबर में जाके ये अपडेट आया है। लगभग परसों ही अपडेट आया था मी यू आई 12 का, जो कि मैं अपडेट कर दिया। 722 MB का अपडेट है। अगर आपके फ़ोन में आया है तो अपडेट कर लीजिए, अगर नहीं आया, अगर आप इसी साल फ़ोन लिए हैं तो Redmi Note 7 Pro या Redmi Note 7, तो आपको अपडेट आ गया होगा। लेकिन अगर आप पहले फ़ोन लिए, यानी कि 2019 में अगर आप Redmi Note 7 फ़ोन लिए हैं, तो आपका अपडेट आने में लगभग 1-2 महीना लग सकता है। फिलहाल जो भी इसी साल फ़ोन लिया है Redmi Note 7 का, उसमें तो अपडेट आ गया होगा। मैं बता दूं बेसिकली आपको क्या क्या अपडेट किया गया है इस MIUI 12 में। आपको जो बेसिकली वॉलपेपर का अपडेट किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लगता है, 3D वॉलपेपर है और HD क्वालिटी में वॉलपेपर है। MIUI 11 में इतना ज़्यादा डिस्प्ले खास नहीं था, मतलब कि इसमें डिस्प्ले भी इम्प्रूव किया गया है। पहले जो डिस्प्ले जो था उसमें उतना अच्छा नहीं देखने में लगता था, लेकिन MIUI 12 में थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा देखने में लगता है, कलर काफ़ी अच्छा निखर के आता है इसमें। मैं Redmi Note 7 Pro में, जैसे कि आप सबको पता होगा कि IPS पैनल का यूज किया गया है, लेकिन ऐसा फील देता है जैसे लगता है AMOLED पैनल लगा हुआ है। MIUI 12 के अपडेट के बाद आपका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा देखने में लग जाएगा। और दूसरा जो अपडेट है कि नेक्स्ट अपडेट जो है डार्क मोड का, इसमें और भी डार्क मोड इम्प्रूव किया गया है। AMOLED जैसा आपको डार्क मोड इसमें दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि आपका डार्क मोड अच्छा से अच्छा वर्क करेगा। नेक्स्ट अपडेट जो किया गया हुआ है फ्लोटिंग विंडोज, जिसमें आप कोई भी ऐप को अपने फ़ोन के स्क्रीन पर ही चला सकते हैं, साइड में उसका छोटा सा स्क्रीन बना के आप सब यूज कर सकेंगे। तो ये अपडेट काफ़ी अच्छा लगा गेमिंग वाले के लिए। अगर आप चैट करते हैं, गेमिंग खेलते खेलते, तो आप आराम से कर सकते हैं, या वीडियो कॉलिंग भी। अगर आप पबजी खेल रहे हैं तो, पबजी फिलहाल तो है नहीं, फ्री फायर खेल रहे हैं, तो आप सब साइड में वीडियो कॉलिंग का यूज करके आप सब गेम खेल पाएंगे, चैट कर पाएंगे, तो ये यूज काफ़ी अच्छा लगा, आप दो काम एक साथ कर सकेंगे। तो ये विंडोज है, तो कुछ इस तरह से अपडेट आया था MIUI 12 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पर।